देश के नागरिकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का व्यापक रूप से देश भर में असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में सुबह से ही बंद की खबरें सामने आई। लोगों ने एहतियात के तौर पर घरों में ही रहना उचित समझा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम सड़कें और चौराहे खाली नजर आए। लोग सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकले। इस बीच दोपहर के वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई। भोपाल की ही एक कॉलोनी में रहने वाली एक छात्रा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये छात्रा कुछ दिनों पहले लंदन से वापस भोपाल लौटी थी। छात्रा में कोरोना पाए जाने की खबर जैसे ही सामने आई, भोपाल प्रशासन हरकत में आ गया। छात्रा और उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है और उस कॉलोनी को भी सैनिटाइज्ड किया जा रहा है। इस बीच भोपाल कलेक्टर ने एक अपील जारी की है और साथ ही भोपाल को 24 मार्च तक लॉकडाउन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भोपालवासियों को मैं इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि अभी हमारे शहर में एक कोरोना का पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला है, लेकिन किसी को भी इसको लेकर पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स का पालन करना था वो सब कर लिया गया है। कल जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो उनको एडवाइस दे दी गई थी क्वारंटाइन के लिए, और उसका फिर सैंपल लिया गया था, और उस सैंपल का जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया गया है इलाज के लिए, और उनका अच्छे से इलाज जारी है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये पैनिक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और फैले, तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसको लेकर जितनी प्रोटोकॉल्स और जो चीज़ों का पालन करना था वो कर लिया गया है, और भी चीज़ों का जो पालन है वो किया जा रहा है। जिस लोकेलिटी में ये केस आया है उसको आसपास से पूरा क्लीन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उनके माता पिता और जो संबंधी हैं जो साथ में रहते हैं उनको ये एडवाइस किया गया है कि वो क्वारंटाइन में रहें, उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। उसके अलावा उनको ये भी एडवाइस दी गई है कि किसी भी परिचित से आप बिल्कुल भी ना मिलें और घर में ही रहें। इसलिए किसी को ज़रा सा भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इसका स्प्रेड ना हो उसके लिए जो भी एहतियात बरतती है वो पूरी तरह से बरत ली गई है।